हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे चुटकियों के अंदर हमने फॉर्मूले बनाए। आज उन्हीं फॉर्मूलों का हम एग्जांपल के तौर पे हम सॉल्व करके देखेंगे कि उन फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं और उनसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। The radius of a circle is 3.5 centimeter. Find its area and circumference. So, first of all, जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। Radius of circle is जिसको R बोलते हैं 3.5 centimeter. Next, area of circle. Formula हमने देख चुके हैं area of circle का pi R square. Pi is 22/7 into 3.5 into 3.5. अब यहाँ पे कोई गिवन नहीं है पाई की वैल्यू, तो जो गिवन नहीं है तो आप अपने हिसाब से या तो 22/7 या 3.14 दोनों रख सकते हैं। डेसिमल हटाएंगे हम, पॉइंट डेसिमल हटाएंगे, 10, 7, 5 टाइम्स, 5 से 2, 2 से 11, 11 इंटू 35/10। अब आप बोलोगे सर ये कैंसिल होता है, फिर आप कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 10 से किसी को भी डिवाइड करना, पॉइंट लगाना बहुत ईजी होता है। दिस इज आंसर। और याद रखने वाली बात, जब भी एरिया आएगा किसमें आएगा, स्क्वायर्स में आता है। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, पॉइंट हटाएगा, 5, 2, 2 से कैंसिल, 22 सेंटीमीटर। सो है ना इजी सिंपल, आपको दो फॉर्मूले लर्न करने। क्वेश्चन नंबर 2, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अब आपको एक चीज बता दूं, जब भी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट के आते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम पे जाइए। प्रॉब्लम कहती है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें नोन होती है, हमें रेडियस नहीं पता, क्या रेडियस दी हुई है। अब गलती कहाँ करते बच्चे, इसको रेडियस मानते हैं। जबकि आप क्वेश्चन पढ़िए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या है, ये इज का मतलब है सर्कमफ्रेंस है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस है, इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, पता नहीं हमें, आर इज इक्वल टू 44, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, 2 से 22 कैंसिल, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई। अब रेडियस आ गई तो अब एरिया का फॉर्मूला लिख लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7 कैंसिल, 154। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्लॉट इज 21 मीटर। अब एक सेमी सर्कुलर प्लॉट है, बना लेते हैं ये सेमी सर्कल, दिस इज द रेडियस 21 मीटर रेडियस, ये सेमी सर्कुलर प्लॉट की रेडियस होगी। प्लॉट इज 21 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। चलिए सेमी सर्कल है तो रेडियस सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्लॉट, रेडियस इज इक्वल टू 21 मीटर। सबसे पहले एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर प्लॉट फॉर्मूला कल हमने सीखा था, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सेमी का उसके आधा, हाफ, दिस इज द एरिया। वैल्यू पुट कीजिए, हाफ 22/7 इंटू रेडियस 21 इंटू 21, कैंसिल कर लीजिए, 3, 11, 11 इंटू 3 × 3, 3 × 6, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ पे मीटर है इसलिए मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। नाउ सेकंड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा हो, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्लॉट। अब प्लीज ध्यान से देखिएगा, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस में अंतर क्या है। फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, दिस पोर्शन ए से बी तक, इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। और इस सर्कमफ्रेंस में जब ये ए बी डायमीटर जब जुड़ जाएगा उसको कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर टोटल बाउंड्रीज। तो क्लियर, सर्कमफ्रेंस सिर्फ
ये वाला ए टू बी जो ये आर्क है उसमें अगर ए बी को भी जोड़ देंगे तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये क्या है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है आपका पाई आर प्लस ए से बी क्या है डायमीटर, डायमीटर का फॉर्मूला टू इंटू रेडियस, दिस इज योर फॉर्मूला। प्लीज इसको वापिस से देखिए, दिस इज सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई आर एंड फ्रॉम दिस टू दिस डायमीटर, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, इसलिए टू आर। वैल्यू पुट कीजिए 22/7 रेडियस 21 प्लस 2 इनटू 21 73 टाइम्स 66 प्लस 42 8108 मीटर इज द पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनिए। द व्हील, दिस इज अ व्हील फॉर एग्जांपल ऑफ अ स्कूटर कवर्ड 88 मीटर इन 100 रेवोल्यूशन। तो आप देखते जाइएगा आपको अपने आप समझ आएगा। इन 100 रेवोल्यूशन मतलब अगर 100 बार घूमता है एक व्हील, व्हील कवर 88 मीटर्स, क्या ये सही है? 100 रेवोल्यूशन में 88 मीटर घूम जाता है। इन वन रेवोल्यूशन एक बार जब घूमेगा तो क्या करते हैं, व्हील कवर्ड, अब ये भी नहीं पता तो आपको ध्यान से देखिए, ज्यादा का दिया है और वन का निकालना है। 100 रेवोल्यूशन का आपको गिवन है, वन रेवोल्यूशन का जब भी निकालना हो ज्यादा से कम में हमेशा डिवाइड, और वन का दिया और ज्यादा का निकालना तो मल्टीप्लाई, याद रखेंगे 100 का दिया वन का निकालना तो क्या करना है डिवाइड, किससे, जो आपका राइट हैंड साइड में है उससे और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, दिस इज योर वन रेवोल्यूशन, ऐसे छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं इसको। तो एक रेवोल्यूशन में इतना कवर करता है। अब ध्यान से देखिएगा ये है व्हील, अब व्हील घूमता कैसे, ऐसे घूमता है या ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है व्हील पूरा का पूरा। तो ये क्या है, एरिया वाला पोर्शन है या सर्कमफ्रेंस वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। इधर देखिए ये व्हील है, ये व्हील इस पे घूमता है, अंदर एरिया पे नहीं घूमता है, व्हील किस पे घूमता है सर्कमफ्रेंस पे। तो ये जो वन रेवोल्यूशन है ये है क्या, दिस इज द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, एक बार घूमेगा तो वही सर्कमफ्रेंस होती है, कितनी 88/100 मीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, हमने बोला इसकी रेडियस कितनी है व्हील की, आर है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 88/100, 2 इनटू 22/7 इनटू आर इज इक्वल टू 88/100। अब साइड सॉल्व करना, 100 7 इनटू 2 इनटू 22, 2 से 44, 22 2 टाइम्स, आर इज इक्वल टू 14/100। अब कैंसिल करोगे या पॉइंट लगाओ, डायरेक्ट पॉइंट 0.14 मीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो याद रखने वाली बात, व्हील जब भी घूमता है किस पे घूमता है, सर्कमफ्रेंस पे घूमता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस। प्रॉब्लम पे जाइए, सर्कमफ्रेंस निकालना मतलब आपका फॉर्मूला है 2 पाई आर, तो किसकी जरूरत है आपको, रेडियस की। अब रेडियस के लिए क्या दे रखा है आपको, कुछ चीज दे रखी है आपको, रेडियस नहीं है आपको एरिया, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट का एरिया आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको पता नहीं है 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 × 7/22, 22 से कैंसिल कर लीजिए, 7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा 7 सेंटीमीटर, आ गया रेडियस। अगर रेडियस आ गया तो सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, आगे का नेक्स्ट फटाफट से करके बताइए और मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना है। क्वेश्चन नंबर 6, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कैसे देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम पे आइए, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब इस रेडियस के लिए इतनी सारी चीजें देखिए पढ़ते हैं, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, लिख लेते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आप इसको चाहो तो एक बार ग्राफ में लिख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पहले कौन सा, एक तो ये आपको पता चल गया ये दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर,
एक और लिखा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 484 मीटर स्क्वायर। अब इधर देखिए कैसे, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 पाई आर पेरीमीटर स्क्वायर, जिसको नहीं पता 4 इंटू साइड होता है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमको ये रेडियस चाहिए, अगर ये रेडियस चाहिए तो हमको ये साइड पता होनी चाहिए। अब ये साइड के लिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसलिए सबसे पहले किसको करेंगे, इस वाले पोर्शन को करेंगे, इसलिए मैंने उसको पहले लिखा। समझ आया बात, रेडियस चाहिए तो हमको साइड पता होनी चाहिए, साइड यहां से आए, एरिया स्क्वायर बहुत टाइम पढ़ रखा हमने, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर 484 मीटर स्क्वायर, साइड स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा 484 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर 484 किसका होता है 22 मीटर, दिस इज साइड। अगर आपको 484 का स्क्वायर रूट नहीं पता तो कैसे करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, 2 के पेयर से बाहर निकालेंगे, ये हमने सीखा 22 मीटर। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 2 × 22/7, रेडियस पता नहीं है, 4 × 22, रेडियस यही रहेगा, 4 × 22 × 7, डिवाइडर वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाले दोनों नीचे, 2 से 2, रेडियस इज इक्वल टू 14 मीटर। लो रेडियस भी आ गई, रेडियस आ गई तो क्या आप एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आगे तो हमको सॉल्व करना आता है, 7 × 2 × 22 × 14 = 28, 28 × 22, मीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द मोस्ट। आपको स्टेप सीखने कि कौन सा स्टेप पहले कौन सा स्टेप बाद में, तो उसको एक बार रफ में लिख के आपको पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ रेडियस पता करनी तो साइड पता होनी चाहिए, साइड के स्टार्ट करते हैं आज का 7th क्वेश्चन फटाफट से देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिशन लेवल में भी आता है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, फिर वापस से जैसा मैं आपको बता रहा हूँ हर बार प्रॉब्लम में जाइए, प्रॉब्लम आपको आंसर बताएगी। प्रॉब्लम है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। अब ध्यान से देखिए, एक फील्ड है फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कुलर फील्ड है, इसको प्लो करना, प्लो मतलब हल जोतना है इसमें, तो कहाँ पे हल कहाँ पे जोता जाता है, एरिया के अंदर। तो याद क्या रखना है, जब भी प्लोइंग की बात चलेगी, प्लोइंग कहाँ पे होता है, एरिया पे होता है, क्लियर कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्लोइंग निकालना है तो आपको इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। एरिया के लिए क्या चाहिए हमको, पाई आर स्क्वायर, उसके लिए हमको चाहिए रेडियस, क्या चाहिए रेडियस, इसका मतलब हमको यहाँ पे रेडियस पता होनी चाहिए। क्या पढ़िए क्वेश्चन, क्या रेडियस है कहीं पे, कहीं पर भी मेरे को नहीं लग रहा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का सर्कुलर दिस है, रेट ऑफ फ्लोइंग ये दे रखा है और आपको तो रेडियस दी नहीं, तो क्या दिया हुआ है दूसरा। अब पढ़िए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब हमको रेडियस चाहिए, ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिए, रेडियस हमको चाहिए। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब ये फील्ड जो है इसका फेंसिंग ये दी, फेंसिंग मतलब तार वार करना, पूरा कवर करना, तो कवर कहाँ पे, फेंसिंग कहाँ पे होती है, फेंसिंग होती है सर्कमफेरेंस पे, क्या याद रखेंगे, फेंसिंग कहाँ पे होती है, सर्कमफेरेंस पे फेंसिंग की जाती है, क्लियर। तो फेंसिंग जो कॉस्ट है वो सर्कमफेरेंस की कितनी देर की है, इस रेट से, रेट मतलब 24 पर मीटर, मतलब एक मीटर के लिए कितना रुपया 24, उसके लिए टोटल रुपए इतने दिए, इसका मतलब सर्कमफेरेंस अगर आपको निकालनी है, सर्कमफेरेंस कि कितने का सर्कमफेरेंस होगा, टोटल इसका आउटर बाउंड्री कितने की होगी, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जो आपने टोटल रुपए दिए उसको फेंस करने के लिए, और किस रेट से दिए, डिवाइडेड बाय रेट, ये फॉर्मूला याद कीजिए। कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी है 5280 और किस रेट से 24, इससे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपकी सर्कमफेरेंस है, कैंसिल कर लीजिए 12 2640 220, कितना 220 मीटर्स। ये क्या है आपकी सर्कमफेरेंस, अगर ये सर्कमफेरेंस है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिख लीजिए 2 πr 2 × 22/7 × radius = 220 meters, r = 227 and 2 × 22 = 22, 10 × 5 × radius =, आगे भाई रेडियस कितनी 35 मीटर, ये तो चाहिए था हमको। अब क्या करेंगे, अब कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग निकालनी है तो सबसे पहले हमको एरिया ऑफ फ्लो चाहिए, मतलब कितने खेत के कितने एरिया में प्लोइंग की गई है या हल चलाया गया। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 22/7 रेडियस 35 × 35, 7 × 5 = 110 × 35, फिर 11 से मल्टीप्लाई 5830, दिस इज द एरिया
अब एरिया तो निकाले पर हमको एरिया नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? कॉस्ट। अब इधर देखिए रेट ऑफ फ्लो मतलब किस हिसाब से रेट होगा, तो कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग, कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग क्या है? पर मीटर, एक मीटर का फ्लो है 0.50 रुपीज, तो बताइए कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग 3850 मीटर स्क्वायर का 0.50 × 3850। देखिए अगर एक मीटर का इतना तो इतने मीटर का उससे मल्टीप्लाई, अभी बताया था मैंने एक का दिया ज्यादा का निकालो तो मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाइए 100, 5 से 2 टाइम्स, 2 से 1925 इज इक्वल टू रुपीज 1925, इतना रुपया आपका फ्लो में लगेगा। अजय स्टूडेंट आज का 8th क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, आज एक और फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, देखिए कैसे आप लोग भी खुद बना सकते हैं आने वाले टाइम में। सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ग्लास फील्ड, एक सर्कुलर ग्लास ग्रास फील्ड बना लेते हैं, उसका रेडियस कितना दे रखा है आपको, आर इज इक्वल टू 35 मीटर। क्लियर, आगे बढ़िए, देयर इज 7 मीटर वाइड पाथ, एक रास्ता है इसके अराउंड आउटसाइड इट, इसके बाहर साइड में ऐसे, कितना वाइड 7 मीटर, मतलब यहां से यहां तक का 7 मीटर, इसका मतलब यहां से यहां तक का भी 7 मीटर टोटल। तो बताइए फाइंड द एरिया ऑफ द रैंप, ये वाला एरिया निकालना आपको टोटल। अब यहां ध्यान से देखिए कितने सर्कल दिख रहे हैं आपको, दो, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला पूरा, मुझे बाहर वाले रेडियस सर्कल का रेडियस बता सकते हैं, अगर इसको कैपिटल आर बोलूं तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक तो 35 है, 35 प्लस ये विड्थ कितनी 7 मीटर की विड्थ और हो गई, तो टोटल कितना हो गया 42 मीटर। इसका मतलब अंदर वाले सर्कल की रेडियस 35, बाहर वाले सर्कल की रेडियस 42 मीटर। तो क्या करें, अब एरिया ऑफ रैंप निकालना है, या अगर आप इसको जान इस फिगर को आप कभी आपने देखा हो तो इनको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब जिसका सेंटर एक ही है और दो सर्कल्स बने हुए उनको कहते हैं कोसेंट्रिक, तो एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स भी कहते हैं या एरिया ऑफ इस केस में रैंप कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, एरिया बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को क्या कर दूं माइनस, क्या करूं, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, बिल्कुल सही है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बड़े सर्कल का रेडियस फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्या कॉमन ले ले, पाई कॉमन ले ले, अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। सो ये हमारा फॉर्मूला बना आज के बाद, एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल कभी भी आपसे पूछे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस कर देंगे, वैल्यू पुट कर लीजिए, पाई की जगह 22/7 हमारे केस में कैपिटल आर 42 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 35 स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, 42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, स्क्वायर नहीं निकालना, आइडेंटिटी बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, सॉल्व कर लीजिए 22/7 77 7 7 से 7 कैंसिल, तो 22 × 77 मल्टीप्लाई कर लीजिए 1694 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रैंप। तो याद रखने वाली बात क्या, एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की एक्सरसाइज हमारी यहीं पर खत्म होती है, इन सारे क्वेश्चंस को एक और बार रिवाइज कीजिए, और हाँ प्लीज फॉर्मूले फटाफट से लर्न कर लीजिए, और आपने नोटिस किया होगा सिंपल सारे एरिया ऑफ सेमी सर्कल यही चीजें बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए फटाफट से फॉर्मूले फटाफट से लर्न कीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।